हम इस वक्त इंदौर शहर के लाल बाग महल में मौजूद हैं, जहां से हम आपको बताना चाहेंगे कि 2014 के 19 में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जुमला दिया हुआ था। चुनाव दौरान उन्होंने कहा था कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन रहा हूं, बल्कि प्रधान सेवक बन रहा हूं। और इस जुमले की तर्ज पर ही किस तरीके से राजनीति गरमाई और किस तरीके से क्या हुआ, 2014 के चुनाव दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था, आप मुझे वोट नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप मुझे इस देश का चौकीदार के तौर पर वोट दे रहे हैं। यह कहा था नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव में। और इसी जुमले से इस देश का, भारत देश का विकास जो है वह पतन की राह पर चल पड़ा था। नरेंद्र मोदी ने उस दौरान कहा था कि मैं जब चौकीदार के रूप में इस देश की बागडोर संभालूंगा, ना कि मैं प्रधानमंत्री के तौर पर इस देश की बागडोर संभालूंगा, क्योंकि उन्होंने एक उदाहरण दिया हुआ था कि इस देश को पिछले 70 वर्षों में कांग्रेस ने केवल लूटा है और मैं इसको लूटने नहीं आया हूँ, मैं इसकी चौकीदारी करने आया हूँ। ऐसा नरेंद्र मोदी ने अपने प्रधानमंत्री होते ही इन्होंने इस देश को घोषणा कर दी थी कि मैं अभी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं हूँ या प्रधान सेवक नहीं हूँ, तो मैं केवल इस देश का चौकीदार हूँ। और यहीं से इस हिंदुस्तान भारत देश का विकास जो है वो पतन की राह की ओर चल पड़ा। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का जब प्रधानमंत्री पद संभाला और उस प्रधानमंत्री पद संभालते ही उन्होंने अपने आप को इस देश का चौकीदार घोषित कर दिया। अब चौकीदार का काम क्या होता है? चौकीदार, जैसे कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं लाल बाग, यह जो पैलेस है, इसका अगर चौकीदार होगा तो वो यह गेट की रखवाली करेगा, और गेट की रखवाली करने के साथ साथ ही इसका जो परिसर है, इसका जो एरिया है, उसे वो साफ करेगा। तो ठीक उसी प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को चौकीदार बताया और चौकीदार का ही काम वे कर रहे हैं। और उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री बनते ही इस भारत देश में उन्होंने स्वच्छता भारत मिशन को हाथ में लिया, और साथ में क्या किया कि उन्होंने केवल एक अपने हाथ में झाड़ू लिया और इस देश को सफाई करने लग गए। ठीक उसी प्रकार होता है कि जैसे हमने अभी देखा कि इस पैलेस में जो चौकीदार होगा वो केवल इस पैलेस की साफ सफाई करेगा और चौकीदारी करेगा, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री यह भूल गए थे कि चौकीदार के साथ साथ वो इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं। अगर उन्होंने खुद को चौकीदार घोषित किया है तो वो गलत है, क्योंकि चौकीदार जो होता है वो इस महल के केवल गेट पर खड़ा होगा, ना कि इस महल की गद्दी पर जाके बैठेगा। तो अगर उन्हें हमारे भारत देश के लोकतंत्र ने चुना था तो उन्होंने इस गद्दी का आदर सत्कार रखना था, उन्होंने इस गद्दी का अनादर किया हुआ है, क्योंकि कभी भी किसी रजवाड़े या पैलेस में या किसी भी देश का जो कर्ता धरता होगा या राज्य करता होगा या जिसके हाथ में सत्ता होगी, वो कभी भी चौकीदारी नहीं कर सकता, क्योंकि चौकीदार गेट पर बैठा होता है, ना कि वो गद्दी पर बैठा होता है। नरेंद्र मोदी ने जब अपने आप को चौकीदार कहा था तो वे तो वास्तव में ही चौकीदार है। खैर, मैं ना ही नरेंद्र मोदी का विरोधी हूँ और ना ही किसी पक्ष का, पक्ष रखने वाला कोई उसका वक्ता हूँ, मैं तो बस अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा था। फिलहाल हमारे चैनल पर वक्त हो चला है ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरें। तब तक के बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ।